जाल में फंस गई टीम इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा भट्ट। दरअसल ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला हो चुका है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला खेला गया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां पर एक तरफ नीला समंदर था वहीं पीला समंदर कहीं नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि टीम इंडिया के जो फैंस थे वो एक तरफा स्टेडियम में डोमिनेट करते हुए नजर आए। फैंस ने डोमिनेट करा लेकिन टीम इंडिया डोमिनेट करना शायद भूल गई। जैसा प्रदर्शन टीम इंडिया ने पिछले 8 या 10 मैचेस में करके दिखाया था, लगातार 10 मैचेस में करके दिखाया था, वैसा प्रदर्शन की उम्मीद थी सभी फैंस को, लेकिन उम्मीद के मुताबिक खरे नहीं उतरे भारतीय खिलाड़ी। बैटिंग की बात करें तो बैटिंग जहां एक तरफा कोलैप्स करी, वहीं गेंदबाजी में भी वो धार नजर नहीं आई जिसका अंदाजा हम सब लगा कर ही बैठे थे। इस मैच के हीरो रहे ट्रेविस हेड, जिन्होंने 137 रन की पारी खेली, ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा बचा के ले गए। मानस लाबुशेन जिन्होंने अपना योगदान दिया, अर्धशतकीय पारी उन्होंने भी खेली। ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मुकाबला 6 विकेटों से जीत गई और 6ठी बार वर्ल्ड कप का टाइटल उन्होंने अपने नाम कर लिया। भारतीय फैंस निराश थे, रोहित विराट की आंखों में आंसू थे, सिराज राहुल भी अपने आप को रोक नहीं पाए थे इस मैच के बाद। इसके बाद टिप्पणियां बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तानों में से एक रिकी पोंटिंग ने पिच के बारे में एक बहस छेड़ दी थी। दरअसल उन्होंने कहा कि टीम इंडिया अपने ही जाल में फंस गई है और टीम इंडिया का जो प्लान था पिच को लेकर वो शायद बैकफायर कर गया है। उन्होंने कहा कि पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी एक दिन पहले पिच को लेकर बहुत ज्यादा नाराज थे, निराश थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। तो मैंने उन सभी खिलाड़ियों से बोला कि प्लीज आप निराश मत होइए, देखिए 22 गज की पट्टी है, ये पिच है, आपको यहाँ पे क्रिकेट खेलना है। अच्छी बात है क्रिकेट पिच है, कोई आपको हाईवे पे नहीं खिला रहे, कोई आपको रोड पे नहीं खिला रहे, बस ये क्रिकेट पिच है, आप ये समझ कर जाइए और वैसा ही क्रिकेट अपना नेचुरल क्रिकेट खेलिए जैसे आप खेलते ही हैं। साथ ही साथ नासिर हुसैन ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि भाई टीम इंडिया जो है अपने ही शिकंजे में फंस गई है और टीम इंडिया ने सोचा था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को फंसा लेंगे, बट आई थिंक उनका खुद का प्लान जो है बैकफायर कर गया। तो ये दोनों दिग्गजों ने पिच के बारे में ये कुछ कहा है। अब आप बताइए आपको भी लगता है क्या कि टीम इंडिया का प्लान जो था पिच को लेकर खुद पे बैकफायर कर गया, क्योंकि पिच ने ही सारा खेल खराब किया है। जहां पहली पारी में बल्लेबाजी बड़ी डिफिकल्ट नजर आ रही थी कि टीम इंडिया बहुत ज्यादा परेशानी फेस कर रही थी बल्लेबाजी करने में, वहीं दूसरी पारी में आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से बल्लेबाजी करके चेज कर लिया, जैसे वो कुछ जैसे मतलब एकदम ही केक वॉक हो, वो पिच नहीं वो केक वॉक हो। तो इसीलिए आप बताइए आपको भी लग रहा है कि आप पिच को दोष देना चाहिए क्या टीम इंडिया का जो प्लान था वो बैकफायर कर गया या नहीं, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए।